हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उस महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रहने वाली तो लखनऊ की थी लेकिन ख्वाब आसमान में उड़ने का देखती थी, जिसके दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा था, तो जिसके हौसले में इतनी शक्ति थी कि उसके आगे हर मुसीबत ने खुद ही घुटने टेक दिए। मैं बात कर रहा हूँ अपकमिंग बायोपिक गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जिसका 2 मिनट 41 सेकंड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, इट्स सिनेमैटिक इंडियन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गुंजन के बहादुरी के वो किस्से जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं, और इस मूवी में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक 5 साल की छोटी बच्ची ने जब पहली बार लड़ाकू विमान देखा तो उसने उसी दिन से ये फैसला कर लिया कि वो एक दिन ये विमान खुद उड़ाएगी। ये बच्ची थी गुंजन सक्सेना, जिन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां उनके पिता और भाई दोनों ही सेना में थे। बचपन से ही उस बच्ची ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर लिया। यह साल 1999 का है, जब कारगिल वॉर के दौरान जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, दोनों ओर से गोलियां बरस रही थी। उस वक्त घायल सैनिकों को बचाने का जिम्मा लिया गुंजन सक्सेना और उनकी साथी श्री विद्या ने। गुंजन और उनकी साथी विद्या को कश्मीर के उस क्षेत्र में भेजा गया जहां पाकिस्तानी सैनिक लगातार भारतीय फौजियों पर रॉकेट लॉन्चर और गोलियों से हमला कर रहे थे। चीता हेलीकॉप्टर लिए दोनों ने युद्ध के दौरान में जाकर सैकड़ों सैनिकों की मदद की। बिना हथियार के गुंजन पाकिस्तान फौज का मुकाबला करती रही और कई जवानों को सुरक्षित निकालने में भी कामयाब रही। पाकिस्तानी सैनिक लगातार हमला कर रहे थे, यहां तक कि गुंजन के एयरक्राफ्ट पर भी मिसाइल दागी गई, लेकिन निशाना चूक गया और गुंजन बाल बाल बची। गुंजन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया था। गुंजन सक्सेना और श्री विद्या राजन उन 25 ट्रेनी पायलटों में शामिल थी जिन्हें 1994 में भारतीय वायुसेना के पहले बैच में शामिल होने का मौका मिला था। फिर 1999 में जब कारगिल जंग छिड़ी तो दोनों को देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। गुंजन ने इससे पहले कभी फाइटर जेट नहीं उड़ाया था। युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को पायलटों की जरूरत पड़ी तब गुंजन और श्री विद्या युद्ध क्षेत्र में भेजने का फैसला किया गया। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए गुंजन को कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से भी उड़ान भरनी पड़ी, जिससे पाकिस्तान सैनिकों की पोजीशन का पता लगाया जा सके। गुंजन और उनकी साथी ने अपनी जान पर खेलकर इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। गुंजन सक्सेना को कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को पाने वाली वह पहली महिला बनी। और यही रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी हमें 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे दिखाई देगी, जिसमें जानवी कपूर एज गुंजन सक्सेना, पंकज त्रिपाठी एज गुंजन फादर, अंगद बेदी एज गुंजन ब्रदर, मानव विज, विनीत कुमार सिंह और आयशा राजा एज गुंजन मदर हमें मेन लीड रोल में दिखाई देंगे, और जो कि डायरेक्ट की है शरण शर्मा ने एंड प्रोड्यूस बाय करण जौहर एंड जी स्टूडियोज। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि मूवी में हमको कितना रियलिस्टिक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।